भले से पार्टी ने आज पतंग किसी और के हाथ में दे दिए, मगर मैं आपको वादा करता हूँ कि पार्टी को पतंग उड़ाने के लिए मंजा और कन्ना दोनों हमसे ही लेना पड़ेगा, जब वो पतंग उड़ेगी शहर में, नहीं तो नहीं हो सकता। दिल्ली का मशहूर नली निहारी रेस्टोरेंट बल्ली मरन निहारी अब आ गया है आपके शहर भिवंडी में। बल्ली मरन निहारी रेस्टोरेंट, जिनके स्वाद की चर्चा दिल्ली से मुंबई तक है। मुमरा और मीरा रोड के बाद अब ग्रैंड ओपनिंग होगी भिवंडी में 15 अक्टूबर मंगलवार शाम 6 बजे से। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए बल्ली मरन निहारी रेस्टोरेंट, ओनली एट ट्विन टावर मिल्लत नगर, बिहाइंड अजवा स्वीट्स भिवंडी। आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भिवंडी वेस्ट से। आपको बता दें कि खालिद पुट्टू को लेकर काफी मामला उलझे हुए थे कि वो MIM से पहले लड़ने वाले थे, फिर उनका टिकट कैंसिल हुआ, वो आजाद से आए। सारी बातें चर्चाओं में थी, सारी बातें लोगों के जबान पे थी, मगर अभी अभी खालिद पुट्टू यहाँ से निकले है। जो आज आखिरी तारीख थी विड्रॉ की, यहाँ से निकले हैं। उनके समर्थक थे, उनके जो भाई थे उनसे हमने बात की, उन्होंने हमें जानकारी दी कि खालिद पुट्टू ने कौम के लिए इस सीट को छोड़ दिया है। उनका मकसद था कि किसी भी तरीके से BJP को यहाँ से जीत हासिल ना हो। हमारे चैनल से बात करते हुए एडवोकेट अमूल कामले और जैद शेरू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जैद भाई, आपने भी पर्चा दाखिल किया था, और अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? यही है कि हमारे बड़े भाई ने जो फैसला किया है, वो फैसले के साथ हम अपना भी फैसला कबूल करते हैं कि शहर के जो वोट है, आज जो लोगों ने हमारे को 2019 में 45,000 वोटों के साथ भाई के साथ ताकत से ताकत मिला के भाई की इज्जत को बरकरार रखा था, आज भाई इसी वो फैसला इस वजह से लिया है, वो 45,000 लोगों का जो ताकत और हिम्मत उनको मिली थी, उन्हीं की ताकत बनने के लिए कि उनका वो 45,000 वोट मेरा बंटवारा ना हो, इसलिए उन्होंने एक फैसला किया कि इस बार जब मैं चुनावी मैदान में किसी तरीके से कोर्ट के सिस्टम को देखते हुए अगर मैं बाहर नहीं आ पाया, और जो उनके जो जिन्होंने उनको फैसला किया कि भाई आप बाहर रहेंगे तो पूरी ताकत के साथ सब कुछ रहेगा, तो भाई ने इस फैसले को इस वजह से लिया कि मेरे 45,000 वोट बंटवारा ना हो और कहीं गलती ना हो जाए कि अपने वोट के बंटवारे की वजह से BJP वापस से चुन के आ जाए, इसलिए भाई ने इस बार अपने शहर के हित के और सही फैसले को इस वजह से लिया, हमारा शहर खराब ना हो और विकास की तरफ जाए, और कोई कभी जो आज पूरे शहर के अंदर और देश के अंदर जो हालात है मुसलमानों के साथ, उसको देखते हुए उन्होंने फैसला लिया है कि भिवंडी पश्चिम से इस बार BJP को जैसे लोकसभा में लोगों ने हराया है, इस बार भिवंडी पश्चिम भी BJP को खत्म कर देगी भिवंडी शहर से। क्या लगता है किसको सपोर्ट करेंगे अभी? हम किसको सपोर्ट करेंगे? अपनी जो 45,000 जनता है उनके सपोर्ट में रहेंगे, वो जहाँ सपोर्ट करेंगे हम उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने कहा कि 45,000 वोट जो पिछली बार मिले थे कुड्डू भाई को, वो किसी न किसी को समर्थन करेंगे, अगर ये खबर शहर में फैलती है तो एक जो MIM के जो यहाँ पे कैंडिडेट आए, क्या उनको ये सारी जनता सपोर्ट करेगी? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम पार्टी को कुछ नहीं बोल सकते, वो आप बड़े लोगों ने फैसला किया है, मगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, भले से पार्टी ने आज पतंग किसी और के हाथ में दे दी है, मगर मैं आपको वादा करता हूँ कि पार्टी को पतंग उड़ाने के लिए मंजा और कन्ना दोनों हमसे ही लेना पड़ेगा, जब वो पतंग उड़ेगी शहर में, नहीं तो नहीं हो सकता। खालिद पुट्टू को यहाँ लाया गया था, नामांकन की आखिरी डेट थी, क्या फैसला निकल कर आया? देखिए, आज फॉर्म विड्रॉ करने का आखिरी दिन था, 3 बजे तक का समय था। गुड्डू भाई को आज तलोजा जेल से यहाँ लाया गया था और कोर्ट के आदेश के अनुसार, और अंदर बैठकर 2-3 घंटा हम लोगों ने चर्चा विमर्श किया। गुड्डू भाई ने कौम और इसके फिक्र के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो मुस्लिम और दलित वोटों का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, ये सोच और फिक्र के साथ उन्होंने जमात के लिए और यहाँ के लोगों के लिए अपने सीट की कुर्बानी दी। और उन्होंने कहा है कि मैं ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों का वोट जो है वो डिवाइड ना हो और भारतीय जनता पार्टी की मदद ना हो, इसीलिए उन्होंने आज ये फॉर्म विड्रॉ किया है। साथ ही साथ उनके छोटे भाई शेरू उर्फ जैद, इन्होंने भी फॉर्म भरा था, उन्होंने भी फॉर्म विड्रॉ किया है, और अब हमारा मिशन भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये हमारा मिशन तय हो चुका है। सर, शहर में चर्चा चल रही है कि आप लोग जो है समाजवादी वेस्ट में जो रियाज आदमी उनको सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ऐसा कोई प्रस्ताव है, झूठ है। अभी इलेक्शन में थोड़ा सा गुड्डू भाई आने से अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा, फॉर्म अगर जब हम भरे थे तब ये अफवाह चल रही थी कि BJP से पैसा पाए, आप विड्रॉ किए थे बोले समाजवादी के साथ चल रहे, तो ये सब ऐसी अफवाहें मार्केट में नरम गरम चलते रहती है। हम हमारा फैसला बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे।